हाय गाइस, टाइम इज़ अराउंड 12:46 और सुबह से रिकॉर्ड नहीं करा, बट ट्रेड ले रखा है। ट्रेड तो पहले ही, मतलब पता ही, आपको पहले ही मिनट डाल देता हूँ और ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं। अगर आप आज देखोगे तो यूजुअली अभी तक मेरी बहुत एडजस्टमेंट हो चुकी थी, बट मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में और थोड़ा सा डर के कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने वाइल्ड वो देखा मूव बैंक निफ्टी में। आज एक मैं दिखाता हूँ, कब ये जो पहली ड्रॉप आई ना कैंडल की, इससे पहले मेरा प्रॉफिट था अराउंड 2000, और ये ड्रॉप आते आते में मेरा सीधा PNL 2000 प्लस से 8000 माइनस। तो आप सोचो, अगर ऐसी कैंडल और उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, तो स्टॉप लॉसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और स्पाइक देख के थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए, मेरे को हुआ कि एकदम से क्या हो गया, बट सेकेंड कैंडल बनते ही वापस PNL बैक टू -2 के हो गया। तो आप देख रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी स्पाइक आती है बैंक निफ्टी में, और ये छोटी क्वांटिटी है। अगर ये डबल क्वांटिटी हो तो सोचो कितना मुश्किल है MTM हैंडल करना। फिलहाल वी आर अप अबाउट 8000 और हमारी करंट पोजिशन कुछ ऐसे है, 37900 37400। और अगर आप देखो तो मैं शुरू से ही कुछ ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास रहा हूँ। पुट काफ़ी क्लोज थी, बट हमेशा से 500 पॉइंट की वो चल रही है हमारी, क्या कहते हैं, ट्रायंगल। बस जैसे कॉल नीचे आई वैसे पुट को भी लाते रहा, क्योंकि ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना था मेरे को, अभी थोड़ा सा डर है। और दैट्स इट फिलहाल तो, और उम्मीद है मेरे को इसके आसपास ही एक्सपायरी होगी। एक ये बटरफ्लाई बना के छोड़ रखी थी, देखते हैं अगर आज इसमें जैकपॉट लग गया तो बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ 37 यहाँ का बंद हो जाए, 600 वगैरह पे यहीं से इसी में आ जाएंगे, बट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 121। इस अप मूव में कॉल का स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो मैंने ऐसे पोजीशन कर दिया, कॉल को भी ऊपर लाया, पुट को भी, दोनों में 40 पॉइंट्स बचे हैं, दोनों का स्टॉप लॉस 30-35 है। और जनरली मैं क्या करता था, अगर स्टॉप लॉस सेट हो जाता था तो सिर्फ कॉल को दूर ले जाता था, बट अभी बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतने प्रीमियम्स नहीं हैं। मतलब एक 10 रुपये की तो एक 30 रुपये की वो मैनेज नहीं होगी। और सेकंड, फ़िलहाल ऑप्शन सेलिंग के लिए अभी जो टाइम है वो फेवर में नहीं चल रहा, क्यों मैं बताऊंगा आपको एंड में, बट देखते हैं अभी क्या हो। टाइम इज़ 140 और थोड़ा सा और पास ले आया प्रीमियम्स को, मतलब पुट तो थी, कॉल को और पास ले आया। अब क्या है, पुट का स्टॉप लॉस है 45 और कॉल का स्टॉप लॉस है, टाइम इज़ अबाउट 2:26 और आधा घंटा बचा है अपना एवरेजिंग में। और जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे हैं मैं थोड़ा सा अग्रेसिव होता जा रहा हूँ। जैसे देखो 37700 37500, 200 पॉइंट ट्रायंगल और 28 का स्टॉप लॉस है। अगर लगेगा तो शिफ्ट कर दूंगा, बट तब तक के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव। और वी आर अप अराउंड 14000 और मैं अग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि एक अच्छी रेंज फॉर्म हो चुकी है और आई बिलीव इसके बीच में वो होगी एक्सपायरी, तो देखते हैं। और बटरफ्लाई को यहाँ पे फ्री कर लिया, तो अब इसमें जो होगा होगा, बाकी अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 2:57, वही पोजीशन है, मैंने आपको बोला था अग्रेसिव यहाँ है, काम आया अग्रेसिव जाना। अभी भी 12 पॉइंट है और 12 पॉइंट कम लग रहे होंगे, बट 12 पॉइंट इज़ अराउंड 4000 बैंक निफ्टी में और वी आर अप अबाउट 24000। इसका स्टॉप लॉस तो पता नहीं क्या है, इसका 20 है, एवरेजिंग में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो होपफुली ये दोनों जीरो हो जाएंगी, बट विल सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, दोनों ऑलमोस्ट ज़ीरो होने वाली हैं, 10 पॉइंट बचे हैं अभी भी, तो अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ 3:23, एवरेजिंग शुरू होते ही बैंक निफ्टी में देखो ये सेलिंग आई थी, बट इस पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बड़ी वॉल्यूम थी, थोड़ा सा डर लगा था, बट इसका बाइंग और इसकी जो अगली कैंडल है इस पर। टाइम इज़ 3:20, सारे ट्रेड्स बंद हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द डे इंट्रा डे इज़ अबाउट 20000 और फिर पोजिशनल बटरफ्लाई जो मैं बता रहा था आपको फ्री कर दी, अगर फ्री नहीं करी होती तो 23000 होता प्रॉफिट, बट 10000 देने पड़ गए फ्री करने की लालच में, बट ठीक है, हमें फ्री करना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें लॉस नहीं लेना। तो इसमें प्रॉफिट हुआ 14000 का, जो कि टोटल करता है 34000 को। इंट्रा डे प्रॉफिट 20000, पोजिशनल 14, दैट्स 34000। और बिल्कुल देख लो डेड सेंटर बंद हुई है, कमाल है। बाकी मैं यहाँ पे आपको वो मोबाइल का
रिकॉर्डिंग डाल दूंगा जिसमें क्लियर दिख जाता है। ये ट्रेड लिया है स्विंग ट्रेड, और दिखा देता हूँ एक बार। कुछ समझाने के लिए होगा नहीं, सब दिख ही रहा है। 10 में रिटेस्ट हैमर बुलिश कैंडल और अच्छा चार्ट है, तो ट्रेल करेंगे इसको। बाकी जो हमारी बाकी स्विंग पोजीशंस हैं उनकी मैं वीडियो बना दूंगा एक बार, और सारी अच्छी जा रही हैं ऑलमोस्ट। एक अपडेट मैं स्विंग पे भी दूंगा एंड ऑफ द वीक, कल बना दूंगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दूँगा।